नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन किया गया, उनको याद किया गया, उनकी स्मृति में आयोजन हुए। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्हें हम लोह पुरुष के नाम से जानते हैं, पूरे विश्व में सर्वाधिक बड़ी मूर्ति, सबसे बड़ी मूर्ति भारत के अंदर उनकी स्थापित है। उनके त्याग और बलिदान को याद किया गया। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर भी एक आयोजन हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल सेतु के समीप एक मूर्ति के स्थापना की आधारशिला रखी गई। दमोह संसदीय क्षेत्र के सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय पर्यटन संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने आधारशिला रखी और इस अवसर पर उन्होंने अपने विचार भी व्यक्त करते हुए कहा कि मूर्ति सरकारी खर्चे से नहीं होना चाहिए, मूर्ति तो जन के सहयोग से होना चाहिए, क्योंकि महापुरुष जन के होते हैं। कार्यक्रम सरकारी हो सकता है, रखरखाव सरकारी हो सकता है, परंतु जन के सहयोग से ही मूर्ति की स्थापना की जाना चाहिए। और आइए लेकर चलते हैं क्या कहना है दमोह सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय पर्यटन संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल का, सुनते हैं। जो हम सब ने अपना मन बनाकर पूज्य सरदार पटेल जी की प्रतिमा लगाने का जो संकल्प लिया है, मैं इस बात के लिए आप सबका धन्यवाद करता हूँ। आप सबका स्वागत। जब मैं पहले दिन हम बैठे थे तब मैंने दो बातें कही थी। मैं प्रारंभ से ही इस बात का समर्थक हूँ कि महापुरुष कोई भी हो, वो सरकार के भरोसे नहीं छोड़ा जाना चाहिए, समाज उसकी जिम्मेदारी ले। और मैंने अपने जीवन में कभी सरकारी पैसे से प्रतिमा नहीं लगने, और तब मैंने कहा था कि यदि हम मानते हैं जमीन सरकार की हो, मूर्ति लगने के बाद में रखरखाव भी सरकार करे, इस पर हमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन समाज अपनी जिम्मेदारी से पल्ला ना झाड़े, ये मेरा दृष्टिकोण रहा है। सरदार साहब सभी के हैं, इसलिए समाज की ने अगुवाई की, समाज उसमें सहयोग करे, लेकिन बाकी लोग भी उतनी ही जिम्मेदारी के साथ में सहयोग करें, और ये स्थान उसी एकता का स्थान बने जो उन्होंने जीवन में संकल्प लेकर पूरा किया। और एकता तभी संभव हो सकती है जब हम महापुरुषों को जातियों में ना बांटे, गर्व करें। स्वाभाविक है कि जिस समाज में जो महापुरुष होता है तो उसे सिर उठाकर चलने का और उसके पीछे चलने का, उस मार्ग पर चलने का अधिकार है, उसको कोई रोक नहीं सकता। और इसलिए मैंने ये माना था, और अभी इसमें इस स्थान के लिए विभागीय NOC अभी आना बाकी है, जिले के जो कलेक्टर हैं उनसे मैंने कहा है, और मैं चाहता हूं कि हम 31 दिसंबर 2021 जब यहां पर कार्यक्रम करेंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा, कोरोना भी नहीं होगा, और तब तक शायद हम एक पार्क डेवलप कर लेंगे और मूर्ति लगाकर उस दिन हम शायद अपना शक्ति का प्रदर्शन कर सकते हैं कि सरदार साहब के बारे में हम क्या सोचते हैं। मैं जिन लोगों ने इसमें मदद की है, सहयोग किया है, उन सब के प्रति इधर से आभार व्यक्त करता हूँ। और जो हम सब ने शपथ ली है, वो शपथ यही है कि हम सरदार साहब के कार्यों के उस पथ पर चले जो वो करके चले गए, और इसलिए उनकी जीवनी को पढ़ना, उनके कार्यशैली को देखना, क्योंकि जो मतांतर है आज, अगर आदरणीय मोदी जी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी पर हैं और उन्होंने जो उद्बोधन दिया है, तो उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि जनसंघ से लेकर अब तक हम लोग ये मानते रहे कि धारा 370 अगर इस देश में बची रह गई तो सिर्फ इसलिए कि उस बात, उस काम को सरदार साहब को नहीं दिया गया था, जो दो काम देश की एकता के लिए उनसे अलग रखे गए थे, वो देश की एकता के लिए नाशूर बने। और इसलिए मुझे लगता है कि हम इन गलतियों पर किसी पर ठीकरा ना फोड़े, लेकिन उसे सीख जरूर लें कि यदि जीवन में कोई संकल्प के साथ में काम करना है तो वो परिणाम तक पहुंचे, और उसका अगर कोई अनुसरण करने वाला व्यक्तित्व है तो पूज्य सरदार साहब का है। उनके चरणों में नमन करते हुए अपनी बात को यहाँ समाप्त करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जय शिवाजी, जय शिवाजी, जय शिवाजी, जय पटेल। वहीं दूसरी ओर एक अजीब वो गरीब नजारा यहाँ पर दिखलाई दिया।
वह था होर्डिंग का, जो पीछे फ्लैक्स लगाया गया था उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर कुछ तथागत नेताओं के चित्रों का लगना चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। चर्चाएं तो होंगी क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनकी मूर्ति इस विश्व में सबसे ऊंची भारत के अंदर बनी हुई है, उनके जो कार्य हैं वह महान कार्य हैं और भारत को एकता के सूत्र में बांधने के लिए उनके जो प्रयास थे वह रंग लाए और आज हम स्वतंत्र भारत को जिस प्रकार देख रहे हैं, मजबूती से साथ देख रहे हैं। लोहे पुरुष के नाम से उनको पहचाना जाता है, उनकी बराबरी नहीं की जा सकती। परंतु छपा और दिखा रोग से पीड़ित कुछ लोगों ने अपनी फोटो को उस फ्लैक्स में ऊंचे लगाया, ऊपर लगाया, सरदार वल्लभ भाई पटेल की फोटो के ऊपर। चर्चाएं तो होगी और चर्चाओं का बाजार इस बात को लेकर गर्म ही रहा, किसकी गलती है, कौन है इसका दोषी, यह तो अलग बात है, परंतु ऐसा होना नहीं चाहिए, यह जन के बीच में लोगों को कहते सुना गया। आप स्वयं देख सकते हैं किस प्रकार स्थिति यहां पर बनी हुई है। देखते रहिए एलएनबी टीवी, जुड़े रहिए हमसे, मिलते हैं फिर एक नए समाचार के साथ। नमस्कार।